हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड उनसे ड्राइव होने वाली बुड्स के बारे में फिफ्टीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू यू पी बायोलॉजी एंड इक्वली सिग्निफिकेंट फॉर द नीट एंड नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो ठीक है तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बालसा बुट जिसके बारे में हम सुना वाला डी कि ये बहुत ही लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बोर्ड होती ठीक है कि बालसा बोट इज लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट बुट दिस बुट इज कैटेगराइज अंडर दी ये किस कैटेगरी में आती है हार्ड बुड कैटेगरी सॉफ्ट बुड पिक्नोजायलिक बुड एंड मैनोजलिक बोट गाइज बहुत ही क्लियर आंसर है इसमें देखिए सॉफ्ट बुड है सॉफ्टेस्ट है लाइटेस्ट है बट जो सिस्टम कह रहा है कि एन जी के बुड हार्ड बुड कहलाती हैं और जिम्नोस्पर्म पम्प के बोट सॉफ्ट वुड कहलाती हैं तो इट इज़ वेरी नोन फैक्ट कि बालसा जो है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू बालसा एंजियोस्पर्म है तो इसकी बोर्ड कहलाएगी हार्ड बोड देखिए बहुत ही कंट्राडिक्टिंग आंसर है कि सॉफ्टेस्ट भी है लाइटेस्ट भी है बट द कैटेगरी जो जनरल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो इसकी जो नेचर है वो कैसी है हार्ड बोड की नेचर है ठीक है सॉफ्ट वुड पिकनोजाइलिक वुड एंड मैनोजाइलिक वुड ये सब तीनों नेम जो है गोज टू जिम्नोस्पर्मिक वुड ठीक है बालसा जिम्नोस्पर्म नहीं है ये है एंजियोस्पर्मिक प्लांट सो आंसर इज हार्डबोर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्जोजिनस ट्री देखिए दो टाइप के प्लांट्स बताए गए हैं कि एक्जोजिनस इंडोजिनस इंडोजिनस जिनमें इनसाइड ग्रोथ होती है मोस्टली प्लांट में इनसाइड ग्रोथ होती है बट कुछ प्लांट में एक्जोजिनस ग्रोथ बाहर की तरफ ग्रोथ होती है तो यहाँ पर बात कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एक्जोजिनस ट्री जैसे हम जो नॉर्मली बुड वाले प्लांट देखते हैं जो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती, होती है जैसे कि जिम्नोसपॉम्स के कॉनीफर्स एंड एनजोस्पम के डायकार्ड इसमें हम देखते हैं कि थिकनेस बाहर की तरफ आती है मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ सॉरी अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोम तो ये नेचर जो कहलाती है एक जो जीनस कलाती है अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें एक ट्री नहीं है एक ट्री कौन सा नहीं है तो मैगोनी देवदार पाइन ये देखते हैं देखिए कॉनीफर्स है का एक है दियोदार और आपका ये जो मैगोनी है ये दोनों ये भी एक जो जीनस है बट बम्बूस प्लांट जो है वो एक जीनस प्लांट नहीं है इसमें ग्रोथ जो होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है ठीक है तो ये एक जो जीनस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है करेक्ट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दी करेक्टरिस्टिक ऑफ द बालसा वुड इंक्लूड्स अब बालसा बुट के बारे में फिर हमने क्वेश्चन रिपीट कराया कि बालसा बुट जो होगी चूँकि हार्ड बुड है एनजीओ स्र्मिक प्लांट का डाईकाट कैटेगरी से आता है तो इसकी जो बुड की जो कैटेगरी होंगी भाई हम बताएंगे हार्ड बुड के जो फीचर्स होंगे वही इसमें आएंगे कि लाइट वेट होती है लो डेंसिटी की बुड होती है ग्रुप्ड अंडर दी हार्ड बुड तो सिंपल सी बात है आप ऊपर ऑलरेटी में बता हैं लाइट बुड है और सॉफ्टेस्ट बुड है लाइट बुड तभी है कि डेंसिटी लो है और अंडर कैटेगरी ऑफ हार्ड बुड कैटेगरी में तो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी जो फीचर्स है वो सब अबाउट दी बालसा बुड के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर में बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एफ आर आई जिससे हम बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड देहरादून ए ट्री इज हाईली ड्यूरेबल इफ हिज लाइफ इज मोर देन मतलब जो एफ आर आई देहरादून में है उसका अपना एक वो है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ट्री हाईली ड्यूरेबल कहलाएगा जिसकी जो लाइफ है वो मोर देन टेन ईयर्स फाइव ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स एंड ट्वेंटी ईयर्स यहाँ पे जो ऑप्शन है सी ये फिफ्टीन ईयर्स के लिए है गाइज तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी कि जिसकी एज जो है ट्वेंट टेन ईयर से ज्यादा है वो कहलाएगा आपका हाईली ड्यूरेबल ठीक है गाइज तो यहाँ पे जो सी वाला जो ऑप्शन है ये फिफ्टीन ईयर कर दें तो करेक्ट आंसर होगा टेन ईयर्स वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दी स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम वेन लोड अप्लाइड इज कह रहा है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर जो जब हम देखते हैं उसकी कटिंग करते हैं किसी टिम्बर की जो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ का जो मूल्यांकन होता है वो तब सामने आता है जब हम जो लोड है उस पर अपलाइड करते हैं कैसे करके अप्लाई करें जो उसके अंदर जो ग्रेन का जो अरेंजमेंट है उसके पैरेलल करें परपेंडिकुलर करें रेक्टेंगुलर करें या राइट एंगल पे करें उसकी मैक्सिमम टिम्बर की जो स्ट्रेंथ कब निकल के आती है किस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा मजबूत अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है तो कर सकता है जब लोड जो हो पैरल टू ग्रेन अप्लाई किया जाए तब वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ को शो करता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्जोजिनस और इंडोजिनस कोई भी ट्री हो चाहे एक्जोजिनस हो चाहे इंडोजिनस ट्री हो तो कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो कोर होती है ट्री की उसे क्या कहते हैं कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन उसे हम बोलते हैं पिथ देखिए सबसे ज्यादा जो क्रॉस सेक्शन में कोर होता है सबसे देखते बुट बनाते ना सबसे जो टॉप पॉइंट होता है ये कोर ठीक है ये पिथ कहलाती है बिल्कुल सर्किल इसके बाद थर्ड बोर्ड इसके बाद सैप बोर्ड इस तरीके से पेस्कुलर टिश्यूज तो कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे इंडोजिनस हो चाहे एग्जोजिनसट्री हो उसमें कोर को हम क्या कहते हैं पिथ करेक्ट आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सल्यूशन ऑफ साल्ट फ्राम दॉयल एब्जॉर्ड बाई द रूट्स जैसे बात होती है प्लांट रूट्स के थ्रू सॉइल से क्या करते हैं सोल्यूशन साल्ट का सल्यूशन साल्ट का सल्यूशन मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो साल्ट के फार्म में होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं विच बिकम से विच का सल्यूशन ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर बाद में एक दो बिस्कस सोलूशन के फार्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक्शन ऑफ सी किसके एक्शन के थ्रू सी का जब एक्शन होता है तो उसकी जो मॉइस्चर होती है वो उसे आउट हो जाती है मतलब रिमूव हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक बिस्कस सोलूशन में ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं देखिए सिंपल सी बात है जब प्लांट रूट्स के थ्रू सॉयल सिस्टम से मिनरल्स मतलब एक सोल्यूशन फार्म में जो वाटर में डिजॉल्व है उसे अपनी बॉडी में लेता है जब बॉडी में उसे लेता है तो सीओटो के साथ उसका रिएक्शन होने के बाद उसके अंदर की जो मॉइस्चर मतलब वाटर जो है वो सीओटो के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेता है तो कहीं ना कहीं वाटर की जो कंसनट्रेशन वो कम हो जाती है तो वो सोलूशन से अब कन्वर्ट हो गया बिस्कट सलूशन में उसे हम क्या कहेंगे अब उसके देखिए सिंपल सी बात है जो जाइलम सेप और फ्लोएम सेप की जो हम बात करते हैं देखिए जाइलम सेप और फ्लोएम सेप प्लांट के अंदर बनता था थोड़ी ना यही सलूशन जो ये जो प्लांट ने सॉइल से लिया है यही सेप जाके बन जाता है कि जाइलम के अंदर प्रेजेंट जाइलम सेप फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट है फ्लोएम सेप तो अगर हम इसे बाहर वाले सोलूशन से कंपेयर करें कि प्लांट ने रूट्स के थ्रू जो मटेरियल लिया सोयल सिस्टम से एक वो और प्लांट की रूट्स में जो मूव कर रहा है जायलम के थ्रू उसमें क्या फर्क आएगा तो यहाँ पे वो सोलूशन है यहाँ पे ये आके सैप कहला रहा है तो यही कंसर्न है कि इसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन है सैप में कंपेयर टू तो सोलूशन वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि वो सीओ टू के एक्शन के थ्रू बांध से लॉस हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे सैप बोलेंगे ठीक है जो जायलम सेप है फ्लोएम सैप नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर दालोइंग टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द एज ऑफ वुड आर टिम्बर ये तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस कि जो एज करेक्ट करने के लिए कौन सा हम टेस्ट करते हैं तो उसमें सैप वुड पेथ टिम्बर के जो डिफेक्ट्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं लकड़ी में उनकी बात करते हैं या फिर एंगुलर रिंग्स तो बहुत ही क्लियर आंसर है कि इसमें एंगुलर रिंग्स की हम जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं जो इन्हें वार्षिक बलय बोलते हैं हिंदी में उनके थ्रू उसकी एज का पता लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो में बात करते हैं इन हार्डवुड हार्डवुड मतलब एनजीओ स्र्म के बुड में जो एनुअल रिंग्स होते हैं उनके बारे में बात तो करते हैं देखिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे क्लियरली विजिबल एंड नियरली टू ईच अदर बहुत पास पास होते हैं बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं लेस डिस्टिंक्ट एंड फार ए पार्ट बहुत दूर दूर होते हैं बहुत ही मतलब कम क्लियर होते हैं क्लियरली विजिबल एंड फार ए पार्ट दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि दिखाई तो देते हैं बट काफ़ी दूर दूर होते हैं लेस डिस्टिंक्ट लेस क्लियर एंड नियर टू ईच अदर पास पास बहुत होते हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी देखिए लेस डिस्टिंक्ट एंड नियरर टू ईच अदर क्योंकि इन एरिया में ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है आपने पता होगा जिम्नोस्पर्म जो ग्रो करते हैं नॉर्थ टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं वो तेज ग्रो करते हैं तो उसमें तेज़ ग्रो करने के बाद जो है वो दूर दूर पाए जाएंगे उनके रिंग्स अच्छा क्योंकि टेम्परेट तो कंडीशन में जो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो वेरिएशन है, होते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर कट होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टिट होते हैं तो उसमें जो एनुअल रिंग्स बनेंगे बहुत क्लियर होंगे जबकि जो हार्डवुड मतलब यहाँ से देखें एनजीओ परम जो होते हैं कहाँ ग्रो करते हैं मोस्टली ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल में जो वेरिएशन आप क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा लेस सिग्निफिकेंट होता है तो जो डिस्टिंग वो एनुअल रिंग्स बनेंगे तो कैसे होंगे लेस डिस्टिट होंगे क्योंकि ग्रोथ जो हो रही है वो बहुत ज्यादा स्लो उसमें हो रही है तो वो कैसे होंगे पास पास होंगे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर एनजूसपम ग्रो एनजूसपम के वुड को हम हार्ड वुड कहते हैं हार्ड वुड में एनुअल रिंग्स की पोजिशन की बात करें तो वो लेस डिस्टिंक्ट एंड नीर टू इच अदर करेक्ट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के हॉकी स्टिक्स एंड क्रिकेट के जो बैट्स होते हैं आर मेड फ्रॉम विच वुड किस टाइप के वुड से बने होते हैं मलबेरी जो कि शहतूत का प्लांट होता है और टीक आपने सागौन का नाम सुना होगा सीशम जिसे हम बोलते हैं डलवर्जा शीशो आलिटी प्ला चुके हैं साल सोरिया रोवस्टा फैमिली आपका बताया था मैंने आ, सब तो इसमें बहुत ही क्लियर सा है इसका आंसर होता है मलबेरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं बिच आदि फॉलोइंग मैथड इज यूज टू मेक टिम्बर फायर रेजिस्टेंस एक लकड़ी को फायर रजिस्टेंस देखा बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनती है पूरी उसमें लकड़ी का काम होता है तो कहीं ना कहीं टिम्बर जो होती है उसे हम फायर रजिस्टेंस हैं ठीक है तो उसके लिए हम कौन सा मैथड यूज करते हैं क्या करते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है क्या अप्रोच है तो कोटिंग विद द टार पेंट पम्पिंग के यू सेट ऑयल इंटू टिबर एट हाई प्रेशर के अंदर सीजनिंग प्रोसेस शोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट तो देखिए टेक्निकल है केमिकल जो इसमें यूज होता है आपका करेक्ट आंसर है डी शोकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट में उसे हम डिजॉल्व कर देते हैं इस तरीके से हम उसे फायर रेजिस्टेंस बना देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं दी ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ एग्जोजिनस ट्री एगजोजिनस ट्री का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका फिर आंसर ये होगा पिथ उसमें इंडोजिनस भी था इसमें केवल एग्जोजिनस की बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सैप कंसिस्ट ऑफ देखिए सैपबुट किसकी होती है सिंपल सी बात है यह सॉफ्ट बुट नहीं है कन्फ्यूज नहीं होना जिम्नोशन की बुट की बात नहीं कर रहा है एकदम आप क्लियर अभी हम बात कर रहे हैं सैप बुड और हार्ड बुड ये दोनों तरीके के प्लांट में होती है तो सैप बुड की हम बात करें तो पोर्शन ऑफ टिम्बर बिडबिंदी हार्ड बुड एंड कैम्बियम ये मतलब इसकी लोकेशन बात कर रहा है कि किन से बनी होती है इनर मोस्ट एनुलर रिंग्स अराउंड दि पिथ उसे हम सैप बुड कहेंगे इनर मोस्ट तो नहीं हो सकता पोर्शन ऑफ़ टिम्बर बिडबिंदी हार्डबुड एंड सॉफ्ट बुड सॉफ्ट बुड और हार्डबुड के बीच में होती सैप बुड इसके बाद पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन दॉफ्ट बुड एंड कैंपियम ठीक है थर्टीन तो जो सैप बोर्ड होती गाइ वो होता है पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन द हार्ड बुड और कैम्बियम लेयर के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं शैप बोर्ड ठीक है देखिए जब हार्ड की बात करी गई हार्ड बुड और सॉफ्ट बोर्ड और जब हार्ड की बात करी गई तो इसका अपोजिट टर्म है सेपब बोर्ड वाला ठीक है कि हार्डबोर्ड और सेपब बोर्ड तो ध्यान रखना है कि हार्डवुड और कैम्बियम रिंग के मतलब पहले हार्डवुड आएगी फिर सैपवुड आएगी और फिर कैम्बियम रिंग, रिंग आएगी इसका मतलब क्या हुआ जो कैम्बियम रिंग और हार्डवुड के बीच का पार्ट है ठीक है उसे हम बोलेंगे सैपवुड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि डेसीडोस ट्रीज आर हैविंग डेसीडोस ट्रीज मतलब दो ट्रीज जो मतलब होते हैं पतझड़ वाले जो अपनी लीफ एक साथ गिरा देते हैं पार्टिकुलर टाइम पे स्प्रिंग सीजन में स्पेशली तो उनके बारे में बात करते हैं उनकी जो लीफ होती है वो नैरो एंड नॉट वेल डिफाइंड लिप्स ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लिप्स ब्रॉड एंड नॉट वेल डिफाइंड लिप्स तो क्लियर है रेल मोस्टली आपने जो देखा आप प्लान जो पढ़ा रहा है आपको ट्रीज उसमें डाई काट होते हैं और उनकी लीप चौड़ी चौड़ी होती है तो इसमें देख लीजिए कौन सी लिप्स एकदम वेल डिफाइंड क्योंकि एडवांस कैटेगरी है तो क्यों मतलब वेल डिफाइंड नहीं होंगी तो क्या जो करेक्ट आंसर है आपका इसमें देख लीजिए लीप भी वेल डिफाइंड और ब्रॉड चौड़ी चौड़ी डाई काट का मेन फीचर्स है करेक्ट आंसर भी ब्रॉड एंड वेल डिफाइंड लिप्स होते हैं डेसी डोस्ट ट्रीज़ की एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इन दिस लेयर कौन सी रेयर आप देखते हैं इन दिस लेयर सेल्स बिकम ऑलमोस्ट इनएक्टिव एंड रिजिड मतलब डेड होने गई लगभग इनएक्टिव भी हो गई रिजिड भी हो गई एज वेल एज नो सैप इज़ देअर उनके अंदर का जो जूस था जो सैप था जो लिविंग मटेरियल था वो भी ख़त्म हो गया एंड लाइंग क्लोज टू कोर ऑफ द ट्री और ट्री की जो कोर वाला पोर्सन है उसके पास आ गई ओल्डर इनज जब प्लांट बूढ़ा होने को चला ठीक है तो वो वाला क्या कहलाएगी कौन सी बोर्ड होंगी सैप बोड होंगी हार्डबोर्ड होंगी या कैम्बियम होगा गाइस बहुत ही है कि इन दिस लेयर सेल्स बिकम ऑलमोस्ट इनएक्टिव एंड रिजिड एज वेल एज नो सैप इज देयर एंड लाइंग क्लोज टू द कोर ऑफ ट्री कोर ऑफ ट्री के पास कोर ऑफ ट्री कौन सा होता है गाइस हार्डवुड होता है और हार्डवुड के पास कौन सा होता है साइप ये ध्यान रखना है आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि हार्डवुड और साइपबोर्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो एक टाइम की लोकेशन के बेस पे है ठीक है कि सबसे पहले पिथ होती है पिथ के बाद आपका हार्डवुड होती है हार्डवुड का मतलब यहाँ पर हो गया कोर ऑफ दी ट्री और इसके बाद जो होता है वो सैपबुड होता है उसके बाद का एम्बीएम होता है तो यहाँ पे जो बात करी गई कि ऑलमोस्ट इनएक्टिव एंड रिजिट क्योंकि लकड़ी जो बन गई है पूरी तरीके टिम्बर में कन्वर्ट हो गई हैं कोई सैप इनके पास नहीं रह गया क्लोज टू द कोर्ट ऑफ ट्री देखिए कन्फ्यूज ना कोर ऑफ ट्री का मतलब हुआ हार्डवुड उसके पास तो उसके पास कौन है सैप बुड है पैपित पित के बाद जो पोर्शन होता है वो हार्डवुड होता है हार्डवुड के बाद जो पोर्शन होता है वो सैप बुड कहलाता है तो का करेक्ट आंसर ए ठीक है इसी के साथ थैंक यू वेरी मच